हेलो स्टूडेंट, आज का पेंटिंग जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग इसलिए बोल रही हूँ कि उसका टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। और जब तुम लोग छोटे रहते हो तो क्रेयॉन्स और स्केच पेन के साथ बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग बड़े हो जाते हो तो स्केच पेन और क्रेयॉन्स एकदम साइड में हो जाते हैं। तो उन्हीं स्केच पेन को आज फिर से निकालना है और ये पेंटिंग करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग कर लिया है, बुक को मैंने वर्टिकल किया है। आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। और इसको कलर करने के लिए हम लोग स्केच पेन यूज कर रहे हैं अभी। तो अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप इसको कलर के ब्रश के स्ट्रोक से भी इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइटली सीनरी भी बना लिया है, आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं इसमें। तो पहले यहाँ पे पानी का पोर्शन है, तो मैंने डार्क ब्लू का लाइन दिया है। और अभी मैं क्या करूँगी, लाइट ब्लू के साथ यहाँ पे इसी स्ट्रोक के साथ इस तरह से कलर करूँगी। देखिए आप, थोड़ा सा अलग टेक्निक है, मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप ब्रश के इस तरह से स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और इस सीन को या आपके ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये सब बहुत फास्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन आपको बहुत संभाल कर स्ट्रोक देने हैं और एक ही डायरेक्शन में आने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से आपका एक पैटर्न रेडी हो जाता है। यहाँ पे आइलैंड है तो उसका हम लोग ड्राइंग कर लेंगे। इस तरह का आइलैंड का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे सन लिया हुआ है तो सन को मैं लाइट रखना है, तो इसलिए सबसे लाइट कलर मेरे पास येलो कलर है, तो मैं येलो कलर का डॉट दे रही हूँ राउंडेड शेप में। और ये छोटे छोटे स्टार हैं उनको भी थोड़ा सा। तो स्काई के लिए मैं डार्क ब्लू ले रही हूँ, आप चाहिए तो पर्पल भी ले सकते हैं।
तरह से आप कोई भी डिजाइन करके देख सकते हैं इसी टेक्निक में, बहुत सुंदर दिखेगा। आप घर में फ्रेम भी करके लगा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय।